हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग यार। तो आपका भी आप लोग के लिए कॉल ब्रांड न्यू वीडियो लेके आ चुका है। तो यार आज हम फिर से ग्रेनेड चैनल नहीं करने वाले, आज हम करने वाले ओनली G18 चैलेंज। तो भाई वीडियो एकदम खतरनाक वाली होने वाली है, मतलब एकदम तो खतरनाक वाली नहीं, एकदम ओपी वाली तो नहीं, मतलब नॉर्मल गेम प्ले है बिल्कुल एकदम मस्त, मतलब मज़ा आएगा देखने को। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ऐसा वीडियो है। तो यार वीडियो को बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। तो यार बंदा सामने दिख रहा है, बिल्कुल हेड मारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो लेकिन भाई मेरे को लगता नहीं रहा ग्रेनेड कह रहा हूँ भाई, गन मार पाऊंगा, मतलब हेडशॉट मार पाऊंगा, मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ यार मैं, मतलब सामने वाले को बिल्कुल मस्त वाले हेड लग गया एट दी एंड। लेकिन भाई सिर्फ हमारे टीम के 3 बंदे बचे, लेकिन सामने वाले के पूरे 4 बंदे बचे। तो देखते हैं इन 4 बंदों का मार पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल शुभम अपने पूरे मस्त जोश वोश में मस्त खेल रहा है, और भाई आगे से मेरे को बहुत तगड़ा वाला डैमेज पड़ा, और हमारा प्रधान भाई मेरे को स्पेक्टेट करते हुए, लेकिन अब वो भाग गया, पता नहीं क्यों भाग गया। सामने बंदा और बंदे को नॉक कर दिया है, इसको पूरा मारेंगे, पूरा तो नहीं मारेंगे, पूरा पीछे वाला मारेगा, हम जब तक हील करेंगे ताकि हम बाकी जो 2 बंदे बचे उनको मार सकते हैं। अब भाई हम बचे हैं पूरे 3 बंदे और वो बचे सिर्फ 2 बंदे। तो देखते हैं इन 2 बंदों का मार पाते कि नहीं। बाहर निकलने एकदम बेवकूफ़ी वाला काम है, तो थोड़ी देर हम रुकते हैं और जैसे ही बंदे सामने से बाहर आएंगे हम उनको हेड मार के गेम खत्म। सिंपल, समझ रहे हो, समझ रहे, बिल्कुल सिंपल वाला गेम है इधर, मस्त वाला मज़ा आएगा। सामने 2 बंदे मेरे को दिख चुके, लेकिन रश मारने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि भाई वो कवर में ओपन में जाके बेवकूफ़ी क्यों करना, लेकिन मैं फिर भी बेवकूफ़ी करने जा रहा हूँ तो सामने बंदे वाले को बहुत तगड़ा वाला डैमेज दे दिया। अगर भाई लोग यार थोड़ा सा भी शोर वोर आ रहा था, प्लीज़ लो भाई लोग यार थोड़ा समझना यार, भाई यार मैं 100 बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहे हैं यार भाई, यार बहुत ज़्यादा काम वाम हो रहा है मेरे घर के बगल में, लंड मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार, बिल्कुल दिमाग का क्या ही बोलूँ मैं, कुछ आगे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। तो यार सामने बनता है, देखते हैं शुभम के राउंड डेविड्स को मार पाता है कि नहीं, और एट दी एंड उसने मार दिया है। इसी के साथ यहाँ दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, तो दूसरे राउंड में हम G18 लेके पूरे जोश में आ चुके हैं, तो जोश में होश नहीं खोएंगे बिल्कुल भी, और मस्त इनको मार के पूरा गेम अपने हाथ की तरफ कर देंगे, मतलब अपनी तरफ मैच मोड़ देंगे। तो क्या पता मालूम पीछे से बंदे आ रहे हों, मतलब आगे से तो कोई दिख नहीं रहा है, एक बंदा है सिर्फ आगे से जिसको शुभम शायद संभाल रहा है, लेकिन उसकी पूरी चड्डी फटी हुई है शुभम की, मस्त वाला डैमेज 50 MF का हेड भी मारा। पीछे से बंदे आ ना जाए तो एक बार मैं पीछे से देख लेता हूँ, अगर पीछे अगर कोई भी हुआ तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली है। तो पीछे मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, तो पीछे तो आओ भाई साहब, मैंने बिल्कुल सही बोला, ग्रेनेड कुक करता हूँ और आराम से इनके ऊपर मारने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। भाई ओ भाई घर के अंदर गिर गया, और भाई मैं अपने ही ग्रेनेड से नॉक हो चुका हूँ। भाई बड़ी ही टट्टी किस्मत है मेरी, मतलब क्या है बोलूँ, बिल्कुल टट्टी किस्मत नहीं, खेलना ही नहीं आता गेम, एक तरह से बोला जाए तो गेम ही खेला नहीं जाता। तो भाई राहुल हमारा हमें रिवाइव कर रहा है, देखते हैं इस रिवाइव होने के बाद हम क्या कर पाते हैं। ग्रेनेड फेंक देते हैं एक बार और अपना डीजे लो करके अपना हील करते हैं मस्त। वो नीचे वाले शायद से ग्लोबल फोड़ रहे हैं, ग्लोबल फोड़ के सीधा वो ऊपर रश ना कर दे भाई, ग्लोबल अगर उन्होंने फोड़ के रश कर दिया ना भाई, बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली है। अपना मस्त इमोट चल रहा है जो बड़ी मुश्किल से लिया है इमोट। तो भाई नीचे तो कोई बंदा दिख नहीं रहा, चारों के चारों नीचे कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, वो ग्लोबल तोड़ के ऊपर आ चुके हैं। भाई सामने वाले को डैमेज सिर्फ 20 का, भाई 3 बंदे, ओ भाई साहब ग्रेनेड भी ऊपर से, भाई साहब क्या क्या कर रहे हैं भाई। तो सामने वाले को काफ़ी सारा डैमेज क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई इसको भी रिवाइव कर दे रहे हैं शायद से, ओ भाई इस बंदे को भी रिवाइव कर दिया। भाई यहाँ से निकलते हैं, और भाई साहब एक बंदे के ऊपर 4 बंदे लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भाई अगले राउंड में देखेंगे, मैच पूरा हरा के दिखाएंगे तुम्हें। तो इसी के साथ यहाँ तीसरा राउंड शुरू, देखते हैं इस तीसरे राउंड में हम क्या कर पाते हैं, मार पाते हैं या मरा पाते हैं, मतलब कुछ भी यार कुछ भी चल रहा है। तो यार पीछे से देख लेते हैं, अगर कोई पीछे से आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होने वाली है। पूरा G18 पूरा यूज़ कर रहा हूँ, पूरी टीम G18 यूज़ कर रही है भाई, कहीं मत सोचना सिर्फ मैं यूज़ कर रहा हूँ, पूरी टीम G18 यूज़ करी। हमारा एक नूबड़ा मर चुका है, डेविड है हमारे यहाँ किलचोर मर चुका है, सामने बनता है उसको डैमेज देने की कोशिश करते हो, भाई साहब पूरी टीम आगे रश करने के लिए, ओ भाई साहब MP5 थे, एक और मेरे को एक और कह रहा हूँ एक और बार मार दिया है बिल्कुल कुत्ते की मौत। सिर्फ शुभम बचा है, देखते हैं शुभम क्या कर पाता है। शुभम भी यहाँ मर चुका है यार, मतलब क्या ही चल रहा है, मतलब शुभम भी मर ही जाएगा, मर चुका है, मर गया। तो इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड नहीं चौथा राउंड छोड़ चुका है, तो चौथे राउंड में भी G18 लेके आ चुके हैं। वहाँ से शुभम और प्रधान जा रहे हैं, बिल्कुल मस्त ग्रेनेड फेंक दिया है प्रधान ने और मेरे साथ डेविड, और यहाँ 2 नॉक कर दिए हैं, तो अपना भी ग्रेनेड फेंकना यही बनता है। तो यहाँ एक ग्रेनेड फेंक दिया है और दूसरा बंदा सामने खड़ा है और इसको डैमेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन 15 और 17 का डैमेज पड़ा, सिर्फ एक ही बंदा बचा है। ग्रेनेड फेंक देते कुक करके और ये फेंक दिया ग्रेनेड कुक करके, और भाई साहब आखिरी में एक किल मैंने चुरा लिया एक तरह से ये कह सकते हैं। इसी के साथ यहाँ 5वां राउंड शुरू हो चुका है, 5वें राउंड में हम L शेप पे आ चुके हैं, L शेप पे हम खड़े होकर
देखते हैं और सामने से बंदा आ रहा है, हेड मारने की कोशिश करते हैं लेकिन एक भी गोली नहीं लगी, ऊपर से डैमेज बहुत सारा आ रहा था। तो भाई ग्लोबल लगाना बनता है, ग्लोबल लगा लिया है, अपना हील करते हैं, बिल्कुल ऊपर ही खड़े हैं चार के चार बंदे। तो यार मैक्सिमम चांसेस यही है कि अगर हम कवर लेके खड़े रहते हैं तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर एक भी बंदा है नॉक वॉक हो जाता है तो मस्त, बिल्कुल मस्त मज़ा आएगा। स्मोक फेंक देता हूँ एक, तो भाई जिससे वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, जिससे हमें हेल्प हो जाएगी। तो एक ग्रेनेड फेंक देता हूँ, इससे अगर कोई एक आधा नॉक हो जाता है तो और बढ़िया। ओ भाई बोलती नॉकों को, भाई बिल्कुल ओपी वाला मजा आ गया, भाई बिल्कुल ओपी वाला मजा आ गया। तो भाई एक और, ओ भाई दो नॉक, भाई हट हट प्रधान हट प्रधान हट हट ना भोसड़ी की, हटता क्यों नहीं, हट जा भाई हट जा हट जा हट जा, हट ही नहीं रहा भाई, ना खुद हट रहा मेरे को, ना खुद जा रहा ना मेरे को जाने दे रहा है। तो भाई सिर्फ दो बंदे बचे हैं, तो भाई यहाँ रश करना बनता है। और भाई यार रिवाइव हो गया बंदा, और भाई सिर्फ आखिरी बंदा बचा है, और ये आखिरी बंदे को देखते हैं मार पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल मस्त वाला मैच जाते हुए आखिरी बंदा मेरे को दिख नहीं रहा है, अगर आखिरी बंदा भी दिख गया तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। वो लगता है भाई आखिरी बंदा ऊपर चला गया, हाँ भाई ऊपर चला गया, कंफर्म ऊपर चला गया। तो भाई ऊपर चला गया, देखते हैं हम चारों नीचे हैं, तो भाई मैक्सिमम चांसेस यही मान के चलो कि हम ही जीतेंगे। ऊपर से वो डैमेज देते हुए, और भाई हमारा एक बंदा डेविड या नॉक हो चुका है, नूबड़ा पता नहीं क्यों नॉक हो रहा है बार बार, यार इसको रिवाइव करना पड़ेगा पहले। तो भाई यहाँ हमारा शुभम अपने भाई को नॉक करते हुए कह रहा हूँ, बचाते हुए नॉक करते हुए कह रहा हूँ, भाई अलग ही सीन चल रहा है भाई। ऊपर बंदा हेड मारने कोशिश, लेकिन हेड तो लगा नहीं। तो भाई सांप जोन भी आ रहा है और हम नीचे हैं, ऊपर आने का कोई सोत्र नहीं है, सोत्र नहीं है, सोर्स नहीं है। और आखिरकार ग्रेनेड से हमारे भाई प्रधान भाई ने मार दिया है बिल्कुल। इसी के साथ हमारा कौन सा राउंड शुरू हो चुका है, इसी के साथ हमारा छठा राउंड शुरू हो चुका है। तो छठे राउंड में हम देखते हैं क्या कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं। भाई साहब यार ये वीडियो अगर तुम यहाँ तक देख लिए ना तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार, तुम लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, शेयर तो कर दिया करो यार। मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा यार, मेरा वॉच टाइम पूरा करा दो यार प्लीज़, मेरा वॉच टाइम पूरा करा दो यार, मेरा वॉच टाइम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, दिमाग खराब हो रहा है यार। एक साल बाद वो जो वॉच टाइम वाला वो नहीं होता यार, अपना ग्रेनेड अपने ऊपर ही फेंक रहा हूँ यार, इसको पहले ग्लोबल लगा लूँ, बचा लूँ अपने आप को। भाई जो वॉच टाइम नहीं होता, मतलब ऐसा क्राइटेरिया होता है कि अगर तुम एक साल में उसको मतलब वॉच टाइम अपना कंप्लीट कर लेते हो तो मतलब ठीक है, वरना अगर पूरे एक साल हो जाता है तो उसको वो वॉच टाइम जीरो हो जाता है। तो मेरे को शुरुआत से करना पड़ेगा यार, ये मतलब एक तरह से ये कह लो दिवाली तक का मेरे पास समय, क्योंकि पिछले साल दिवाली पर ही मैंने चैनल बनाया था लेकिन वीडियोज़ मैंने थोड़ी लेट टाइम मैंने अपलोड की थी, दिसंबर तक मतलब क्रिसमस तक मैंने अपलोड की थी। तो यार बस भाई लोग यार जल्दी से करा दो, शेयर कर दो यार, थोड़ा देख लिया करो, पूरी पूरी वीडियो देख लिया करो यार। बहुत बंदे देखते हैं 10-15 सेकंड की देखते हैं, एक दो मिनट की देख के छोड़ देते हैं, पूरी वीडियो देख लिया करो, इतनी मेहनत से मैं बना रहा हूँ, देख लिया करो यार, थोड़ी देख लिया करो यार वीडियो है। सामने बंदा आ गया भाई, 53 का हेड भी मारा है उस बंदे को, तो बंदा पूरा पूरा रश ना मार दे इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे हट गया हूँ। तो बंदा आ रहा है और इसको नॉक कर दिया भाई, हमने इसको पूरा मारेंगे भाई साहब, पूरा मारेंगे। डेविड हमारा पूरा पूरा साथ देते हुए, साथ में सिर्फ भाई तीन बंदे बचे हैं और हमारा एक बंदा नॉक हो चुका है प्रधान। यहाँ पे मतलब हमें दिक्कत होने वाली है, ये तो पूरा पूरा पता लग रहा है सोत। ओ भाई साहब यहाँ दो नॉक बंदे नॉक हो चुका है, तो देखते हैं दो बंदे, हम सिर्फ दो बंदे बचे तो देखते क्या कर पाते हैं। सामने बंदा है, इसको नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नॉक बंदा हुआ नहीं है। हमारे डेविड की पूरी बुरी हालत है, पीछे से भी डैमेज पड़ रहा है, तो भाई हम कर तो कुछ पाएंगे नहीं, यहाँ से भगना ही पड़ेगा। लेकिन भाई बंदे ने बहुत तगड़ा वाला डैमेज दे दिया, हेड मार दिया, ओ भाई साहब लेकिन हेड का कुछ फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ये आखिरी राउंड है, तो देखते हैं भाई ये आर या पार का मामला है, बिल्कुल आर पार का मामला है। देख गौर से देखिए इस मैच को या इस राउंड को, गौर से देखिए। तो भाई पहले स्मोक फेंक देते हैं, बिल्कुल मस्त वाला मैच जा रहा है, साथ में ग्रेनेड फेंक देते हैं एकदम, बस अपन लोग नॉक ना हो जाए, या हमारा भाई बोलते ही बंदा प्रधान नॉक हो चुका है। तो देखते हैं भाई, शुभम एक तरफ फाइट ले रहा है, प्रधान एक तरफ ले रहा है, प्रधान तो नॉक हो गया, डेविड एक तरफ फाइट ले रहा है किलचोर हमारा, और मैं पीछे से जा रहा हूँ, बंदा ये रहा, इसको हेड मारने की कोशिश करते, ग्लू वॉल लगा भाई, ग्लू वॉल लगा, ग्लू वॉल भाई पीछे क्यों लग गया, आग लग रही थी। ओ भाई यार क्या ही टट्टी किस्मत है यार, मेरे को लग रहा है ये मैच भी हम हार देंगे, सिर्फ इनका आखिरी बंदा बचा रहा और हमारी टीम के पूरे दो बंदे बचे। प्रधान नॉक हो रखा है, शुभम बिल्कुल मस्त वो लेते हुए मतलब फाइट लेते हुए, यहाँ हमारा प्रधान भी बच चुका है, पीछे से हमारा शुभम जाते हुए, उसके पास गन है लेकिन वो गन चला नहीं रहा, दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ऐसे कुछ समझना मत कि मतलब गन वन चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना। तो भाई ग्लोबल फोड़ के प्रधान को बाहर बुला रहा है, सामने बंदा और बिल्कुल मस्त वाला हेड मार दिया भाई, हमारा फिर से प्रधान नॉक हो चुका और हेड मार के पूरा मैच जिता दिया डेविड ने, मैन ऑफ द मैच हमारा डेविड, मिस्टर किलचोर, एमजी किलचोर। तो यार वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।